आईपीएल के मीडिया राइट से ना 74 लाख रुपए की एक बॉल दिखाते हैं वो हैं वो कितने की सर 74 लाख की एक बॉल अपना कर्जा कितना मुल्क का 74 लाख में उतर नहीं जाएगा मैं तो यार ये कहूँगा 74 लाख में पाकिस्तानी तो पूरा क्रिकेट टीम है खरीदी जा सकती है वो एक बॉल दिखा रहे हैं यार एक सेकंड क्या हो गया मैं तेनू कहना हो गया तू कहना है नहीं भाई हो गया भाई ब्रांड है आईपीएल ब्रांड है पीएसएल तड़ा छनकना है तुझे इंडियन कहते हैं देशद्रोही देश तू है देशद्रोही मैं इंडिया में हूं नहीं आईपीएल 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 यार क्या हो गया यार मैंनू कहना है आईपीएल ब्रांड है कहना है नहीं हां ये मैं मानता हूं इंडिया की लीग बढ़िया इंडिया के पैसे ज्यादा देते हैं प्लेयरों को उनके प्लेयर बाहर जाके नहीं खेलते जो पीएसएल होता है हमारे पास स्पॉन्सरशिप कौन सी होती है यहाँ पे जे डॉट वाले हमें कर रहे होते हैं हमें छोटे छोटे ये लोकल ब्रांड कर रहे होते हैं हमारे पाकिस्तान के ब्रांड उनको जो स्पॉन्सरशिप होती है एप्पल उनको स्पॉन्सरशिप कर रहा होता है वीवो उनको कर रहा होता है ये बड़े बड़े मोबाइल इंडस्ट्री होती है सबसे बड़ी बड़ी इंडस्ट्री गूगल उनको स्पॉन्सर कर रहा होता है लेकिन एक चीज माननी पड़ेगी हमें और आप इस चीज को मानेंगे इंडिया वाले भी जो सुन रहे हैं मेरी बात वो भी इस चीज को मानेंगे कि वो जितना भी बड़ा उनका आईपीएल हो गया ना लेकिन वो पीएसएल के मुताबिक ऊपर नहीं जा सकता वो इसलिए उसकी वजह ये है कि दो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम अच्छा सर आज हम कंपैरिजन कर रहे हैं आईपीएल का पीएसएल के साथ हमारे पीएसएल में सबसे महंगा प्लेयर बाबर आजम कितने में बिके होंगे 4 करोड़ में मेरे ख्याल से एग्जैक्टली 4 करोड़ में आईपीएल की बात करें आईपीएल का जो बेस्ट प्लेयर सैम करन वो कितने में हुआ था वो हुआ था तकरीबन 18 करोड़ रुपए में जो पाकिस्तानी 40 करोड़ रुपए बनते 40 करोड़ सैम करन 40 करोड़ रुपए में सबसे महंगे प्लेयर पाकिस्तानी बिके हैं 40 करोड़ रुपए के पाकिस्तानी करेंसी के मुताबिक जी उन्होंने आईपीएल ने बाय किया है और अगर हम मीडिया राइट्स की बात करें पाकिस्तान के जो मीडिया राइट्स हैं 4 अरब रुपए के मीडिया राइट्स बिके थे इंडिया के आईपीएल के कितने के बिके होंगे यार अगर पाकिस्तान के 4 40 है तो वो तो बहुत ज़्यादा बिके होंगे तो लगभग 35 30 35 में तो जाएंगे 40 50 सर आप बहुत कम बता रहे हैं जो उनके आईपीएल का एक बॉल दिखाने के एक बॉल बॉलर ने कराई है उसको दिखाने के 74 लाख पाकिस्तानी 74 लाख जो आईपीएल के मीडिया राइट से ना 74 लाख रुपए की एक बॉल दिखाते हैं वो हैं वो कितने की सर 74 लाख की एक बॉल अपना कर्जा कितना है मुल्क का काफ़ी ज़्यादा 74 लाख में उतर नहीं जाएगा अगर एक बॉल कराने के या बॉल गेंद के एक बॉल को टीवी पे दिखाने के टीवी पे दिखाने के और मेरे को मुफ्त करा लो यार क्या आपको जी पाकिस्तानी रुपए के इंडियन रुपए पाकिस्तानी रुपीज 74 लाख तारे लो जी चैनल ही खोलना पैना चैनल ही खोलना पैना अपने उनके पास मेन स्ट्रीम मीडिया है हमारे पास वो मीडिया नहीं है जो हमारे पास पीटीवी स्पोर्ट्स के अलावा कोई चैनल नहीं है जो पीएसएल को लाइव दिखा सके उनके पास उनके हज़ारों उनके कई चैनल्स हैं जो उनके आईपीएल को यहाँ तक कि इंटरनेशनल चैनल आईपीएल को लाइव दिखा रहे थे और हमारे पीएसएल को कौन दिखा रहा था कोई इंटरनेशनल चैनल का नाम बता देंगे कोई पीएसएल को मतलब कि ले रहा होता कोई भी नहीं इसको दिखा रहा होता कोई भी नहीं दिखा रहा होता देखे ना उनके पास स्पॉन्सर भी बहुत बड़े आते हैं उनकी उनके अंदर प्लेयर्स भी बहुत बहुत बड़े जाते हैं हमारे मैं आपको बताता हूँ हमारा जो पीएसएल होता है हमारे पास स्पॉन्सरशिप कौन सी होती है यहाँ पे जे डॉट वाले हमें कर रहे होते हैं हमें छोटे छोटे ये लोकल ब्रांड कर रहे होते हैं हमारे पाकिस्तान के ब्रांड उनको जो स्पॉन्सरशिप होती है एप्पल उनको स्पॉन्सरशिप कर रहा होता है वीवो उनको कर रहा होता है ये बड़े बड़े मोबाइल इंडस्ट्री होती है सबसे बड़ी बड़ी इंडस्ट्री गूगल उनको स्पॉन्सर कर रहा होता है तो यही वजह है कि उनके पास इस उनका आईपीएल जो है उनकी सीरीज सबसे अच्छी सीरीज है मैं तो यार ये कहूँगा 74 लाख में पाकिस्तानी तो पूरा क्रिकेट टीम है खरीदी जा सकती है वो एक बॉल दिखा रहे हैं यार एक सेकंड क्या हो मैं तेनू कहना हो गया तू कहना है नहीं भाई हो गया क्या भाई ब्रांड है आईपीएल ब्रांड है पीएसएल तड़ा छनकना है तुझे इंडियन कहते हैं देशद्रोही मैं इंडिया में हूं नहीं आईपीएल 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 यार क्या हो गया यार मैनू कहना है आईपीएल ब्रांड है कहना नहीं हूं तू के बुकिए बैठे हैं वहां पे सारे पैसे कमा रहे हैं फेक काम हो रहा है वहां पे सब तू कर रहा है पैसे दिखा तेरे किधर कौन से मेरे पैसे 74 लाख किधर है अभी तो 20,000 है बस निकल आईपीएल को होते हुए अराउंड कोई 10 से 12 साल हो चुके हैं और हमारे पीएसएल स्टार्ट हुए 4-5 साल भी नहीं हुए मुश्किल से बट स्टिल अगर हमारे पीएसएल की ग्रोथ देखें तो आईपीएल के मुकाबले में बहुत अच्छी है क्वालिटी ऑफ क्रिकेट फार बेटर है आईपीएल के मुकाबले में और आईपीएल में डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं जिसकी वजह से आई डोंट थिंक आईपीएल का पीएसएल से किसी तरह मुआवजा पता है फाइनेंशियली देखा जाए तो आईपीएल बेटर बट ऑन द बेसिस ऑफ क्रिकेट क्वालिटी एंड एवरीथिंग पीएसएल का ही बेहतर है आईपीएल से अगर आप देखें आईपीएल के अंदर इतने इतने अच्छे प्लेयर्स आते हैं लाइक जो पाकिस्तान में आना पसंद नहीं करते पाकिस्तान में जितने भी प्लेयर्स हैं वो एजड प्लेयर जो रिटायर होने के करीब हैं दूसरे प्लेयर्स को हम कब अपनी टीम्स में शामिल करेंगे क्योंकि आईपीएल के अंदर लाइक हर बंदा देखना बहुत पसंद करता है दुनिया के बहुत सारे मेन स्ट्रीम मीडिया पे चलता है आईपीएस जो बहुत लिमिटेड जगह पे चलता है ये तो वो इंडिया पैसा कहाँ से ला रहा भाई यही तो बहुत आगे निकल गया इंडिया हमसे लेकिन बेसिकल ये है कि उसका एक तो ये है कि वहाँ पे प्लेयर बहुत बड़े बड़े आते हैं उसके बाद उसकी लीग बहुत बड़ी है
फिर उसके बाद आबादी के लिहाज से भी बहुत बड़ा मुल्क है वो, तो इसलिए इसकी लीग आगे निकल गई है। तो प्लेयरों को वो पैसे देता है, इसलिए उसके प्लेयर बाहर जाके खेलते भी नहीं है, ये भी आपको इलम होना चाहिए। हमारे तो प्लेयर बाहर जाके खेलते हैं लीगें वगैरह, उनके लिए लीगें वगैरह नहीं खेलते। तो इंडिया कर सकता है भाई, हम भी पैसा फेंकेंगे तो वही बड़े प्लेयर आएंगे। अब पैसा फेंकने पर बड़े प्लेयर तो आ जाएंगे, ये बात आपकी है, तो वो इंडिया फेंक रहा है और इंडिया के पास बड़े बड़े प्लेयर आ रहे हैं। लेकिन एक चीज़ माननी पड़ेगी हमें, और आप इस चीज़ को मानेंगे, इंडिया वाले भी जो सुन रहे हैं मेरी बात वो भी इस चीज़ को मानेंगे कि वो जितना भी बड़ा उनका आईपीएल हो गया ना, लेकिन वो पीएसएल के मुताबिक ऊपर नहीं जा सकता। वो इसलिए उसकी वजह यह है कि दो नंबर मैच बहुत करा रहे हैं वो, 138 करो, 10 ओवरों में उसके 138 हैं, कोई आउट नहीं है, अगले 40 स्कोर नहीं होंगे तो सारी टीम आउट हो जाती है। 258 का टारगेट है, चेस हो रहा है, बीच में आगे सारे एक पिंजर हो जाते हैं। जुवारियों का मुल्क है सर, हमारे यहाँ पीएसएल में भी तो 250 स्कोर लग रहा है। हमारे पीएसएल में 250 स्कोर इस मरतबा लगा है, और वो लगभग वो पिच के मुताबिक था, वो प्लेयर भी अच्छे थे उन्होंने किया, लेकिन एक आधा चेस हुआ, बाकी नहीं चेस हुए। लेकिन ये है कि हम वो मैच नहीं करवा रहे ना पैसे वाला, वो जितना पैसा वो दे रहा है प्लेयरों को, जितना पैसा वो प्लेयरों के ऊपर फेंक रहा है, तो वो कैसे फेंक रहा है? पैसा आ रहा है ना भाई, मैच में पैसा आ रहा है, फिक्सिंग हो रही है, ऊपर से नीचे से बुकिंग खरीदी जा रही है, हर चीज खरीदी जा रही है, कौन सी बॉल कैसे करवानी है, इस बॉल पे कितना लगा हुआ है। आप देखे थे पाकिस्तान के पीएसएल के जितने भी यूनिफॉर्म थे उनके ऊपर बैटिंग ऐप का लिखा हुआ है, नेक्स्ट बैट, माई बैट, सारी बैटिंग ऐप को क्यों प्रमोट कर रहे हैं? हाँ, ये मैं मानता हूँ इंडिया की लीग बढ़िया, इंडिया के पैसे ज़्यादा देते हैं प्लेयरों को, उनके प्लेयर बाहर जाके नहीं खेलते। ये हमारी टीमों को सोचना चाहिए, पीसीबी को सोचना चाहिए कि हमारे पास भी बड़े बड़े प्लेयर आने चाहिए, पैसा मैच करना चाहिए, लगाना चाहिए। इनिशियली तो किस तरह था कि कोई भी टीम पाकिस्तान आने को तैयार ही नहीं थी, कोई भी प्लेयर पाकिस्तान आने को तैयार ही नहीं था ड्यू टू कंडीशंस, बट जैसे जैसे कि हम लोगों ने देखा, जैसे जैसे पर सीजन आते जा रहे, डिफरेंट प्लेयर्स आ रहे फ्रॉम अफ्रीका, श्रीलंका एज वेल, हर कंट्री से प्लेयर्स आना शुरू हो चुके हैं। तो होपफुली इन द फ्यूचर एज वेल कि बाकी टीम जितनी भी हैं इंडिया के अलावा बाकी सारे प्लेयर्स आए, होपफुली इंडिया भी आए, बट नियर चांसेस सुने कि इंडिया के प्लेयर भी पीएसएल में शामिल होंगे। तो आ सकते हैं यार इंडिया वाले, पाकिस्तान में क्या बुराई है, बाकी टीमें भी तो आ रही हैं, इवन पाकिस्तान में तो हर दूसरा बंदा विराट कोहली का फैन है। डेफिनेटली मैं खुद हूँ, बट देर आर डिफरेंट एस्पेक्ट्स जिसकी वजह से वो नहीं आते। अब वो हमारा एशिया कप भी होने जा रहा है, वर्ल्ड कप भी होने जा रहा है, उसमें भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, बट होपफुली इंडिया आए, बट नज़र नहीं आता। सर पाकिस्तान के पीएसएल में फेम है, असल में हमने लोगों के दिलों में ना कुछ वो नफरत डाली हुई है, अब हमारे इंडिया के साथ कुछ वो ताल्लुकात वो बनाए हुए हैं, इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा तो पाकिस्तान इंडिया नहीं जाएगा, इंडिया को हम यहाँ पे अच्छी सिक्योरिटी दें उनके, मतलब आप वो दुश्मन आपके पास आता है तो आप उसको इस तरह ट्रीट करें कि वो अगली दफ़ा फिर आए आपके पास, मतलब ये बात है। तो बाकी जो है पाकिस्तान में जो पीएसएल है वो इस वजह से अच्छा नहीं हो रहा क्योंकि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट्स है वो उसमें खास रोल प्ले नहीं करती। इंडिया की गवर्नमेंट देखें उनके आईपीएल के लिए कितना वसी काम करती है, या पीएसएल की जो है अपने ग्राउंड, जो असल में अपने ग्राउंड नहीं बना सके, एक कजाफी और एक कराची स्टेडियम और एक पिंडी स्टेडियम के अलावा या मुल्तान के अलावा चार स्टेडियम के अलावा हमें मैच करवाने के लिए जगह नहीं होती। तो हमें चाहिए कि छोटे से छोटे इलाकों में भी हम इतने अच्छे अच्छे ग्राउंड बनाएं। अब इंडिया का देखें अहमदाबाद है या जो भी उनके स्टेडियम्स हैं उनमें एक अच्छे इंटरनेशनल मैचेस होते हैं, हमारे यहाँ पे एशिया कप में इंडिया राजी नहीं है कि मैच खेलने के लिए।